हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पंचायत समिति की साधारण बैठक में छाए पानी बिजली के मुद्दे। जसवंतपुरा पंचायत समिति की साधारण बैठक हुई आयोजित। पंचायत समिति सभा भवन में मंगलवार को पंचायत समिति के जनप्रतिनिधियों एवं ब्लॉक स्तरीय अधिकारी और कर्मचारियों की साधारण बैठक प्रधान विमला चौहान की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक की शुरुआत पूर्व बैठक में प्रस्तावों पर विस्तृत चर्चा के साथ हुई। बैठक के दौरान रानीवाड़ा विधायक नारायण सिंह देवर भी उपस्थित रहे। विधायक के निर्देशन में ब्लॉक स्तर के समस्त विभागों ने पिछली बैठक के प्रस्तावों का निस्तारण करना बताया गया। बैठक में जलदाय विभाग के बिंदुओं पर चर्चा के दौरान करताराम सरपंच पावड़ी ने बताया कि ग्राम पंचायत क्षेत्र में गर्मी के कारण जल स्तर नीचा होने के कारण पीने के पानी की समस्या पनप रही है। समस्या से निजात पाने के लिए सरकार द्वारा पानी के टैंकर चालू किए गए, जिस पर विधायक नारायण सिंह ने पंचायत समिति क्षेत्र में गर्मी के दिनों में पीने के पानी के टैंकरों को चालू करने का सदन में प्रस्ताव पास करवाया गया। राम सिंह पंचायत समिति सदस्य ने सदन को अवगत करवाया कि राम सिंह सहित आसपास के मांडोली, सीखवाड़ा, पुनक कला आदि गांवों में पानी की आपूर्ति नहीं होने के कारण लोगों का हाल बेहाल है। विभाग द्वारा जल्द से जल्द पानी की समस्या को हल किया जाए, अन्यथा ग्रामीण क्षेत्र में पीने के पानी की बुरी व्यवस्था होगी। विद्युत विभाग के सहायक अभियंता ने सदन में गत बैठक की अनुपालना प्रस्तुत कर सदन से अपील की कि किसी विद्यालय से बिजली के तार गुजर रहे हैं तो उनका पत्र बनाकर विभाग को उपलब्ध करावे, जिससे आगे की कार्यवाही कर तारों को नियम अनुसार हटाया जा सके। प्रधान ने विद्युत विभाग के सहायक अभियंता को पंचायत समिति मुख्यालय पर ग्राम जसवंतपुरा में ढीले तारों के लिए कहा कि ढीले तारों के कारण कभी भी हादसा हो सकता है, अंततः दो दिन में ढीले तारों को ठीक किया जाए। बैठक में सहायक अभियंता द्वारा बताया गया कि जसवंतपुरा क्षेत्र के कृषि विद्युत कनेक्शन मार्च 2014 तक जारी कर दिए गए हैं। त्रिकमाराम ब्लॉक शिक्षा अधिकारी बैठक में उपस्थित हुए और उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा 5000 से अधिक जनसंख्या वाली ग्राम पंचायतों में अंग्रेजी माध्यम विद्यालय खोले जा रहे हैं। नव गठित ग्राम पंचायत राजपुरा में उच्च माध्यमिक विद्यालय गठन का प्रस्ताव लिया गया है। शिक्षा विभाग से संबंधित विस्तृत जानकारी त्रिकमाराम ने दी। बाग सिंह पुनक कला से पशुपालन विभाग ने अधिकारी से अपील की कि पशुओं में गलघोंटू बीमारी से निजात के लिए टीकाकरण समय पर करने की उचित व्यवस्था करने को कहा। उप प्रधान भैर सिंह परमार द्वारा जसवंतपुरा पंचायत समिति के द्वारा निर्मित दुकानों का लंबे समय दुकानों के आवंटन दुकानदारों द्वारा दुकानें संचालित नहीं करने व अन्य दुकानदारों को ऊंचे दामों से किराए वसूलने का प्रस्ताव लिया गया तथा इसको लेकर पंचायत समिति प्रशासन द्वारा कमेटी का गठन किया गया तथा उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया गया। बैठक में वन विभाग, पशुपालन विभाग, कृषि विभाग, चिकित्सा विभाग सहित समस्त विभागों के विभागाध्यक्ष उपस्थित रहे। विधायक ने अधिकारी कर्मचारियों को सरकारी योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने एवं समय पर कार्य को पूरा करने की हिदायत दी। साथ ही विकास अधिकारी मलाराम ने ग्रामीण विकास विभाग की समस्त योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी। प्रधान द्वारा बैठक में उपस्थित समस्त जनप्रतिनिधियों, अधिकारी और कर्मचारियों को धन्यवाद उद्बोधन के साथ बैठक का समापन किया गया। बैठक में रानीवाड़ा विधायक, प्रधान, उप प्रधान भैर सिंह, मलाराम विकास अधिकार, त्रिकमाराम, डॉक्टर बाबूलाल, डॉक्टर सुरेश पटेल, बाघ सिंह, पीयूष चौधरी, पोचाराम सरपंच तातोल, करताराम सरपंच, कोनू देवी, भरत प्रजापत, नारायणलाल प्रजापत, मनोहर सिंह, जीवाराम, नारायणलाल बामिया, ग्राम विकास अधिकारी समस्त सहित अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। जागरूक टीवी के लिए जसवंतपुरा से महेंद्र प्रजापत की रिपोर्ट।